विधानसभा हलका फलोर विच कांग्रेसिया दी तड़ेबंदी खोल के सामने आई है जिथे पंजाब दे सह प्रभारी चेतन चौहान विधानसभा दीआं चोणां नूं लैके हलका पद्धर ते वर्करां तों फीडबैक लैण लई आए सन जिथे उन्हां नूं तीन वख-वख थावां ते कांग्रेसियां नाल मीटिंगां करनियां पईआं। इस विच दो थावां ते जिन्हां विच इक गुराया दूजी फलोर विच कांग्रेसियां वर्करां अते अहुदेदारां चौधरी परिवार तों बिना उन्हां नूं मीटिंग तों दूर रह के सह प्रभारी चेतन चौहान नाल मीटिंग करके लगातार तीन वार हार चुके चौधरी परिवार नूं कांग्रेसी वर्करां दी अणदेखी कारण टिकट ना देण दी मांग कीती है। दो पार्टियां, मेरी एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आया। और इस फिलौर हलके में जो पिछले 15 साल से त्रस्त है, बहुत ज़्यादा यहाँ विकास की ज़रूरत है, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे फीडबैक लेके कि पिछले चुनावों में जो कमियाँ रही हैं उन कमियों को कैसे दूर करें और इस बार कांग्रेस पार्टी को फिलौर में कैसे MLA यहाँ पर हम बना पाएंगे, इसके लिए ये चर्चा रही। देखिए, घर के अंदर जब कोई आदमी नाराज़ हो जाए तो कुनबा नहीं टूटता, कुनबा वही रहता है। कहीं नाराज़गियाँ पैदा हो सकती हैं, कहीं एक दूसरे की विचारिक मतभेद आ सकते हैं, परंतु आपने जिनका नाम लिया ये भी कांग्रेसी हैं और जिनका पहले नाम लिया वो भी कांग्रेसी हैं। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके अंदर टिकट मांगना एक हर आदमी का अधिकार है, वो कार्यकर्ता का भी उतना अधिकार है, किसी मुख्यमंत्री का भी उतना ही अधिकार है। तो मेरा कहने का ये औचित्य है कि जब आप किसी भी टिकट मांगने का जो दावेदार है वो हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता भी मांग सकता है, कोई मुख्यमंत्री भी मांग सकता है। अगर वो पिछली 3 बार उनके परिवार में टिकट जा रही है, एक बार और मांगना चाहते हैं, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। उनका अधिकार है कि वो मांगे, पर देना ना देना वो पार्टी का अधिकार है। वो विनेबिलिटी देखकर इस बार टिकट दी जाएगी। बसपा अकाली दल समझौते नूं कितना देखदे जी पंजाब विच? चोर चोर मुसेरे भाई ये गठबंधन है उनका। सब तो आप सारा मीडिया का मैं धन्यवाद करदा हां जो अज साडे पंजाब दे इंचार्ज हरीश चौधरी जी और उन्हां दे नाल चेतन चौहान जी जो इंचार्ज लगे ने वो अज साडे फलौर दे विच आ रहे ने और उन्हां दे स्वागत वास्ते असीं अज इत्थे सारे इकट्ठे होए हाँ। और मैं हलका फलौर दे समूह बूटरां दा ते और पतवंते सज्जनां दा धन्नवाद करदा हाँ। मैं वार्ड नंबर 2 महला संतोखपुरे तो 4th बार कौंसलर चुनिया गया और लोगों की सेवा करता आ रहा पिछले 40 साल तो। मैं हाई कमांड के अगे अपनी मंग भी रखी है और मैं राती भी CM साहब की कोठी चंडीगढ़ जाके आया और अपनी मंग रखी है। और जो CM साहब चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री MC बन के और MLA बन के तो CM बन गए तो हाई कमांड में मैं बेनती करता हाँ कि मैनू भी टाइट दी जाए, मेरा भी हक बनता। जे MC तो CM बन सकते हैं तो मैनू भी पूरा अधिकार आ। और हाई कमांड की मर्जी है, टाइट जिन्हों मर्जी दे, पर असी ये चाहते हाँ भी जो हलका फलौर दे विच पिछली 3 साल तो 3 बार तो असी जो हार चुके हैं और ये बड़ी साढ़े माड़ी गल आ, घटिया गल आ हलका फलौर की, बदकिस्मत आ हलका फलौर की। और असी ये चाहते हाँ, असी किसी के खिलाफ नहीं, मैं ये चाहना अपने वालों और शहर वासियों की और इलाके पूरे विधानसभा हलका फलौर की मंग आ बे सानू जो कैंडीडेट देना और जितण वाला कैंडीडेट आवे और असी हलके फलौर के विकास वालों तुरिए। धक्का तो बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, असी वर्णन ही बिक्रम जी ने ते चौड़ी साहब ने संतोख सिंह जी ने, इन्होंने असी वर्णन ही कर सकते कि जिन्ना इन्होंने सानू जलील किया, जिन्ना साढ़े नाल धक्का किया। असी तो हुण यही मंग करते हाँ हाई कमांड तो, सोनिया मैडम जी नू ते राहुल जी नू, चन्नी साहब जी नू, CM साहब नू ते सिद्धू साहब जी नू, बे जिहड़ी टिकट फलौर हलके दी आ इन्हां नू बिल्कुल ना दित्ती जावे। इन्हां ने जनता दी गल बिल्कुल नहीं सुनी, इन्हां ने जनता दे कम्मां नू इग्नोर किया। लेकिन जनता दे कोल असीं वोट जदों मंगण जांदे आ असीं उन्हां नू बहुत वादे करदे आ, वादे तां करदे आ बे साडी जिहड़े नेता आ उह साडी गल सुणगे। असीं जनता दे कम्म ताइयों करांगे जे साडे अग्गे सुनवाई होगी, तां जद अग्गे साडी सुनवाई नहीं होणी ते असीं जनता दे कम्म किद्दां करावांगे? असीं हुण असीं किहड़े हिसाब नाल इन्हां लई वोट मंगांगे? मैं तां इह कहिंदी, मैं 32-35 साल तों कांग्रेस पार्टी दी
इन्नी क वर्क कर चुकी हाँ, इन्ना क वर्क कर चुकी हाँ ना, ये मैनू पता जां मेरे परमात्मा नू पता।